माँ संतोषी माँ जय माँ, तेरी शरण रहूं मैं सदा। स्वीकार तुमने मेरा व्रत किया, स्वीकार तुमने मेरा व्रत किया। खुशियों से आचल मेरा भर दिया, मेरा भर दिया। जो मांगा से ज्यादा दिया, माँ संतोषी माँ जय माँ। 16 शुक्रवारों का माँ व्रत जो करेगा, मन वांछित फल पाएगा। तेरी भक्ति में मैंने दीप जलाए, दूर किया जो तूने हर साया। चरणों में अपने तू रखना सदा, माँ संतोषी माँ जय माँ। तो जय संतोषी माँ। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? और आज है फ्राइडे। फ्राइडे मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। मतलब मैं मानती हूँ फ्राइडे को अपना लक्की डे कहते हैं ना जैसे, तो मेरा डे जो है वो लक्की डे है फ्राइडे। मेरे हर काम जो है वो फ्राइडे को बनते हैं, और वो किसकी कृपा से बनते हैं वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूँगी जय संतोषी माता, और आप लोग भी मेरे साथ जय संतोषी माता जरूर कहिएगा। और बहुत से लोग हैं संसार में जो माता संतोषी को बहुत मानते हैं, और कुछ लोग हैं जो माता संतोषी के बारे में जानते नहीं हैं और वो जानने की कोशिश करते हैं, चाहे नेट के थ्रू, चाहे अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, किसी के साथ भी। तो माता संतोषी से मेरा जो नाता है वो बहुत पुराना है। मतलब कम से कम 14-15 साल, मैं कम ही बता रही हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन उससे कम का नहीं है। तो माता संतोषी के साथ मेरा रिश्ता कैसे जुड़ा, मैं दिन रात, मतलब मेरे, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि आप बिल्कुल उसमें खो जाओ, लेकिन कहते हैं ना, एक फीलिंग होती है कि माता मेरे साथ है और हमेशा रहेगी, चाहे मेरा सुख है चाहे मेरा दुख है। तो वो वाला एक्सपीरियंस मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अभी जैसे कि मैं व्रत नहीं रख रही हूँ, लेकिन इससे पहले मैंने काफ़ी व्रत रखे हुए हैं माता संतोषी के, और वो अच्छी तरह से पूर्ण भी हुए हैं, मैंने अच्छे से उद्यापन भी किए हैं। तो मैं, मेरे क्योंकि कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो मुझे फ़ोन के थ्रू या SMS के थ्रू पूछते हैं कि तुम माता संतोषी का व्रत कैसे करती हो, उसके क्या क्या उपाय हैं, कैसे उसका उद्यापन करती हो, तो वो मैं उन लोगों को बता देती हूँ। लेकिन अब मैंने जैसे कि माता की कृपा से अपना YouTube चैनल बनाया है, और वो धीरे धीरे आगे भी बढ़ता रहेगा। माता मुझे प्रेरित करती है कि हर काम को, ये नहीं कि सिर्फ इसी को, YouTube को ही, हर काम में मुझे माता पूरा सपोर्ट करती है कि आप आगे बढ़ते जाओ, बस मैं आपके साथ हूँ। और बस आज मैं आप लोगों के साथ यही सब चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। मैं लगभग 14-15 साल पहले माता का व्रत रखना मैंने शुरू किया। अब माता का व्रत कैसे शुरू किया, मुझे किसने कहा, ये चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। हम लोग जब छोटे थे ना, तो हमारी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम थी। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन किसी की लाइफ में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा होता था कि मतलब हमारा कौन है, ऐसा कभी फीलिंग आती है ना, बच्चा जो होता है वो तो ज़्यादा ही सोचता है कि यार कोई नहीं है, हमारा कोई सहारा नहीं है। तो ऐसा ही था, एक टाइम था, मतलब मुझे अच्छे से याद है, इस चीज़ को शायद मैं कभी ज़िंदगी में भूल भी नहीं सकती हूँ। तो नवरात्रे शुरू होने वाले थे, और जैसे होता है ना कि मम्मी भी परेशान थी कि हम बहुत परेशान हैं, और हम भी परेशान हैं, बेटी तो माँ को देख के वैसे भी बहुत परेशान हो जाती है कि यार परेशानियों के दिन चल रहे हैं, सब कुछ अच्छा होते हुए भी कुछ नहीं है, ऐसी वाली फीलिंग आती है। तो ऐसी करके एक दिन मैं सोई हुई थी, तो रात को नवरात्रों के टाइम पे, नवरात्रे स्टार्ट होने वाले थे उस टाइम पे। और आप पहले इसको मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, कई लोग इसे पूरे इंटरेस्ट से देखेंगे, मुझे पूरा यकीन है, कई लोग स्किप करेंगे, उसको मैं कोई भी माइंड नहीं करूँगी। सबकी अपनी अपनी आस्था है, और मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि सबको बिल्कुल डीपली घुसना है, मगर ऐसा होना चाहिए कि हमारे साथ एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे साथ है। तो बस वो जैसे एक होता है ना, बच्चे के साथ माँ बाप होते हैं, तो वैसे ही माता संतोषी मेरे साथ एक माँ और बाप के दोनों का रोल प्ले करती है। तो जब मैं आपको बता रही थी कि मैंने सपने में नवरात्रे से पहले देखा कि माता संतोषी मेरे सपने में आई, और
सपने में मुझे ये नहीं पता था कि वो कौन सी माता हैं, और मतलब मुझे ये फीलिंग आई सपने में कि मुझे व्रत रखना चाहिए। और सुबह उठ के मैंने अपनी मम्मी से बताया कि मम्मी मुझे सपना आया, और मम्मी ने मुझे बोला कि कैसा सपना आया, तो मैंने बताया कि मुझे ऐसा ऐसा सपना है कि मुझे व्रत रखना चाहिए था। उस समय शायद मेरी एज इतनी ज़्यादा नहीं थी, मैं आई थिंक मैं नाइन्थ या टेंथ में थी शायद। और तो मम्मी ने पूछा अच्छा कौन सी माता थी, तो मेरे मुंह से ना अपने आप ही निकल गया कि संतोषी माता। तो मम्मी ने कहा यार संतोषी माता का व्रत बहुत मुश्किल होता है, और मैंने कभी इनके बारे में सुना भी नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके बारे में मैंने कभी सुना नहीं था, मैंने इनकी कोई मूवी नहीं देखी थी, कुछ नहीं सुना था मैंने इनके बारे में। मैं हम लोग तो उस टाइम शिव शंकर ऐसी ये चीज़ें मतलब भगवान शिव की या हनुमान जी की या गणेश जी की ऐसे व्रत के बारे में तो बहुत सुना था, लेकिन माता संतोषी के व्रत में मैंने कुछ भी नहीं सुना था। तो मम्मी ने बोला ये व्रत बहुत मुश्किल है, और मेरे पापा थोड़ा सा परहेज नहीं करते थे कि मतलब व्रत है तो परहेज भी कर लें, लेकिन मतलब एक अंदर में फीलिंग थी। तो मैंने मम्मी को बोला नहीं मम्मी मुझे तो व्रत रखना है, मैं अपना परहेज कर लूँगी, कोई बात नहीं। तो मम्मी ने कहा चलो ठीक है, जब तुम कह रही हो तो स्टार्ट कर ही लो, अब सपने में आया है तो देख लो। तो फिर मैंने उसके बारे में मैंने इधर उधर पूछना शुरू करा, लेकिन मुझे उस टाइम पे कोई मिला नहीं ऐसा जो मुझे बता पाए कि मैं माता संतोषी के व्रत रखते हैं। तो फिर मेरी एक फ्रेंड थी, उससे मैंने पूछा, तो वो शायद माता संतोषी के व्रत रखती थी, और उसने मुझे बताया कि हाँ वो उस दिन खट्टा नहीं खाते हैं। उसने मुझे ये बताया उस दिन कोई खट्टा नहीं खाते हैं, घर में नहीं लाते हैं और बाहर के भी नहीं आती हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अब आने लग गया था जो पहला नवरात्र के टाइम पे जो पहला शुक्रवार था, उस दिन मैंने व्रत रखने की तैयारी शुरू कर दी थी। और मैं मार्केट गई और मार्केट से मैं माता संतोषी की किताब लेके आई, उसमें जो जो लिखा हुआ था मैंने उसके अकॉर्डिंग उसको उसकी कहानी पढ़ी, और मतलब प्रसाद जो गुड़ चना होता है वो सब मैंने यूज़ करना शुरू किया। और मैंने जब पहला व्रत रखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने मतलब व्रत को अपने लिए मतलब मैंने ये संकल्प किया कि माता मैं अपना परहेज करूँगी, मैं औरों के परहेज पे कोई डिपेंड नहीं रहूँगी, मुझसे अगर कहीं मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे बताना, मतलब मैं हम वैसे इतना परेशान हैं पर ऐसा ना हो कि आपका व्रत रखने से हम और परेशान हो जाएं। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, मेरे पापा भी परहेज पता नहीं ऑटोमेटिकली परहेज करने लगे, मानने लगे कि बच्चे व्रत रख रहे हैं। फिर उसके बाद मेरी बहन ने भी व्रत रखना शुरू करा। हमने मैं सच बता रही हूँ आप लोगों से, मैंने कोई ऐसा व्रत मतलब इस व्रत के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं किया कि जैसे लोग कहते हैं नहीं बहुत मुश्किल व्रत है कोई नहीं कर सकता। मैं बता रही हूँ आप लोगों को ये व्रत ऐसा है कि आपके अंदर अपने आप ही एक पॉजिटिव एनर्जी आती है कि आप इस व्रत को अच्छे से रख पाओ। लेकिन ये है कि इस चीज़ इस व्रत के लिए फीलिंग्स आती है हर किसी, मैंने जिससे भी इसके एक्सपीरियंस सुने ना तो उन्होंने मुझे यही बताया कि माता संतोषी का व्रत रखने के लिए फीलिंग आती है कि आपको माता संतोषी का व्रत रखना है। और इस तरह से मैंने आपको ये भी बता देती हूँ कि मैंने 16 शुक्रवार का व्रत नहीं रखा, मैंने 16 शुक्रवार का व्रत सिर्फ एक ही बार रखा, और व्रत मैं कई बार रुक चुकी हूँ, मैंने लगभग 3 साल का व्रत रखा। अब मुझे पता है कि इसमें कई लोग नेगेटिव कमेंट्स भी दे सकते हैं, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, अपनी जो मैंने किया है मैं वो बता रही हूँ, क्योंकि इसमें मन्नत मांगनी होती है। और ऐसा भी नहीं है कि आप मन्नत के लिए ही व्रत रखो, लेकिन ये होता है कि माता आप हमारे साथ रहो, ये वाली फीलिंग थी। तो माता अब मुझे ये भी पता था कि इसका उद्यापन मैं इतनी जल्दी तो कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैं खुद छोटी भी थी, और फिर उसमें ये नियम था कि लड़के ढूंढने व्रत का उद्यापन करने के लिए, और लड़के मिलना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। लड़कियां तो बहुत सारी मिल जाती हैं, लेकिन लड़के जो जमाने के लिए हमें चाहिए होती हैं वो बहुत मुश्किल हो जाती हैं। फिर उसके बाद जैसे मैंने व्रत रखने शुरू करे उसके लाभ मिलने लगे, घर में शांति होने लगी, मतलब सब चीज़ अच्छा पॉजिटिव ही चलने लगा। और फिर उसके बाद मेरी बहन ने भी रखा, मेरी मम्मी ने भी रखा, हम तीनों साथ में मिलके माता संतोषी का व्रत रखते थे। माता संतोषी के व्रत के दिन ऐसा कई बार होता था कि कहीं बाहर हमें जाना होता था, कहीं शादी हो रही होती थी या पहाड़ों में कहीं जाते थे मैं, मगर ऐसा कोई दिन नहीं होता जहाँ मैंने माता संतोषी का व्रत स्किप किया होगा। मैंने माता संतोषी का व्रत रखा पूरे, मतलब मैं पूजा तो नहीं कर पाती थी क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमको हर जगह वो माहौल मिले, लेकिन मैंने माता संतोषी का कभी भी व्रत स्किप नहीं किया जिस बीच मैंने माता का व्रत रखा। और फिर उसके बाद और कमाल की बात तो ये होती थी, अगर मैं कहीं शादी में जैसे कहीं चले गई बाहर तो वहाँ पे मुझे जिसके घर में मैं जाती थी वहाँ पे मुझे माता संतोषी की फ़ोटो मिल जाती थी। ये सब झूठ नहीं है, सब सच है। और तो फिर उसके बाद मैंने काफ़ी व्रत मतलब सारी मन्नतें मेरी इस तरह से पूरी होती रही, और खट्टे का बहुत परहेज किया घर में,
कोई नॉन वेज नहीं खाया उस दिन, और ना मैंने किसी को खट्टा, यहाँ तक कि मैं कोई चीज़ ख़रीदती भी नहीं थी उस दिन। और आप, ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा अगर इस माता संतोषी के व्रत के बारे में बहुत सारी जो भी चीज़ें पूछनी होगी आप लोग मुझे बताना, मैं सेपरेट से एक वीडियो बना दूँगी कि किस तरह से उसका व्रत रखा मैंने, कैसे कैसे किया, और बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं मेरी लाइफ में जो हमने फ़ील किया, मेरे घर मम्मी पापा ने फील किया, मतलब भाई बहनों ने, सब ने फील किया। उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड ने तक फील किया कि हाँ कि ये एक शक्ति है, क्योंकि हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आई और माता संतोषी का नाम लेते हुए वो पूरी हो गई, तो मतलब एक विश्वास और भी बढ़ता गया और भी बढ़ता गया। और मैंने जिन जिन लोगों को बताया उनका भी जब इस व्रत को रखने से फ़ायदा हुआ तो उनको बहुत अच्छा लगा। और मतलब मुझे अच्छा लगता है कि माता संतोषी के बारे में मैं जितना बोल सकूं उतना कम है। और फिर उसके बाद मूवी भी आई, उसकी जो बहुत पुरानी मूवी है वो भी देखी, मतलब ऐसा लगता है कि सच में माता है। और यहाँ देहरादून में माता संतोषी के बहुत सारे मंदिर हैं, मैं जाती हूँ मगर टपकेश्वर मंदिर में जाती हूँ, और वहाँ जाती हूँ तो मतलब आँखों से एक बार आंसू भी अपने आप निकल जाते हैं कि पता नहीं ऐसा लगता है कि बस मैं माता को देख रही हूँ और माता से बात कर रही हूँ। इस तरह से माता ने मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करी है, और आप लोगों की भी माता मनोकामना पूर्ण करे ये मेरा विश्वास है। और माता संतोषी की कृपा सब पे रहे, सबका भला हो, ये मेरी कामना है माता से। और आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कौन कौन माता संतोषी के भक्त हैं और किसको माता संतोषी के व्रत रखने में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं बताऊंगी। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से माता का व्रत रखती थी। और आप लोग शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ आप लोगों के पास आती रहे। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।